वेलकम। और सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैटरिंग प्रॉब्लम। ओके, सो द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज स्कैटरिंग। तो व्हाट इज स्कैटरिंग? कैटरिंग में होता क्या है? पहले चीज़ तो ये हमको क्लियर रखनी चाहिए कि हम कौन से स्कैटरिंग डिस्कस कर रहे हैं। हम कर रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक स्कैटरिंग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, नॉन रिलेटिविस्टिक। और द सेकेंड कंडीशन इज इट इज इलास्टिक स्कैटरिंग दैट वी आर डिस्कसिंग। वी आर नॉट डिस्कसिंग नॉन इलास्टिक डिस्करिंग स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग। फाइन, नॉन रिलेटिविस्टिक होना क्यों जरूरी है अभी हमारे लिए? अगर रिलेटिविस्टिक आएगा तो क्या चेंज होगा? रिलेटिविस्टिक रिलेटिविटी के केस में थ्योरी कैसे चेंज होगी? देखो, रिलेटिविटी में क्या होता है, हमारे पास इतनी सफिशेंट एनर्जी होती है कि वो एनर्जी नए पार्टिकल्स क्रिएट कर सकती है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ से हाई एनर्जी पार्टिकल भेजे और पोटेंशियल से गुजरने के बाद हो सकता है कि ज़्यादा पार्टिकल मिल जाए आपको, यानी कि जो आउटगोइंग फ्लक्स है वो इंसिडेंट फ्लक्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में आप डिफरेंट तरीके से डील करेंगे उस चीज़ से, लेकिन नॉन रिलेटिविस्टिक केस में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये कोई नया पार्टिकल नहीं बन सकता। सो इट इज़ सिंपल कंपेरिजन टू द रिलेटिविस्टिक केस। अब होता क्या है, सपोज़ आपके पास एक इंसिडेंट फ्लक्स है, ठीक है, आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल आए यहाँ से, ठीक है, ये जेड एक्सेस ले लो। मैं जेड एक्सेस हम ऐसे लेते हैं क्योंकि हमारा काम ऐसे ही है। जेड एक्सेस के अबाउट मोस्टली सिमेट्रिक होता है पोटेंशियल। सपोज़ यहाँ पर एक टारगेट पोटेंशियल है, ओरिजिन पर होगा टारगेट पोटेंशियल एक, ठीक है। अब इस पोटेंशियल की एक रेंज होगी, एक स्फेयर अज्यूम कर लो, इसके चारों ओर ऑफ रेडियस आन हो तो उतनी रेंज होगी। तो जब तक पार्टिकल उस रेंज के अंदर रहेगा तभी तक उसको इफेक्ट पड़ेगा, और हर डायरेक्शन में पार्टिकल स्कैटर होंगे, ठीक है, हर डायरेक्शन में, इधर को भी, ईच डायरेक्शन। और होगा क्या, एक बार जैसे ही वो इस स्फीयर से बाहर आ गया ना, उसके बाद वो पाथ चेंज नहीं करेगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसे जैसे ये पार्टिकल आया सपोज यहाँ तक, तो इसका इंट्रैक्शन उसका पाथ को चेंज करेगा, लेकिन एक बार जब वो इस स्फीयर से बाहर निकल गया उसके बाद उसका पाथ चेंज नहीं होने वाला। और फिर आपके पास स्कैटरिंग एंगल क्या होगा? स्कैटरिंग एंगल आपके पास होगा, इनिशियली देखो पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा था और वो ऐसे मानो आके ऐसे चले गया, तो यहाँ पर से जो स्ट्रेट लाइन बनी ना, रिपीट, ये थोड़ा डायग्राम गंदा हो गया, मैं साफ बनाता हूँ। सपोज़ ये आपका इंसिडेंट पार्टिकल आया और स्फीयर ने उसको बीच में कुछ हुआ, इंटरेक्शन हुआ इस बीच में, उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन चलेगी, ठीक है। तो ये एंगल, यानी कि जो इनिशियली जिस डायरेक्शन में आ रहा था और जहाँ को गया के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? थीटा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द स्कैटरिंग एंगल। फाइन, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो होगा आपका स्कैटरिंग एंगल। नेक्स्ट इज सपोज़, अब आपके पास क्या होगा, सपोज़ आपके जो पार्टिकल है, स्कैटर्ड पार्टिकल है पर यूनिट टाइम, सपोज़ थीटा फाई डायरेक्शन में जो आपके स्कैटर्ड पार्टिकल है पर यूनिट टाइम, उसको dn मान लो, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा इंसिडेंट फ्लक्स के, ठीक है, आई नॉट ऑफ थीटा फाई। यानी कि जितने ज़्यादा पार्टिकल आपके आएंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उतने ज़्यादा तो स्कैटर भी होंगे ना, ये तो ऑब्वियस है। यहाँ से जितने ज़्यादा पार्टिकल आएंगे उस प्रोपोर्शनलिटी में पार्टिकल स्कैटर होंगे। अगर यहाँ से आप चार भेजते हैं, मान लिया तीन स्कैटर हो गया, अब आप अगर यहाँ से 12 पार्टिकल भेजेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। तो यानी कि जितने ज़्यादा इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स पार्टिकल होंगे आपके पास इंसिडेंट, उतने ही स्कैटर होंगे, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे स्कैटर्ड पार्टिकल है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, स्कैटर्ड पार्टिकल, ये क्या है, ये इंसिडेंट फ्लक्स है, ठीक है, इंसिडेंट फ्लक्स। अब हम एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। सपोज उसे हम बोलते हैं डी सिग्मा आई नॉट थीटा कॉमा फाई। अब इसको आप अगर डी ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो आपके पास ये होगा। अब ये जो क्वांटिटी उभर के आती है, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, ठीक है, दिस डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इज कॉल्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर वन। अब सपोज अभी पार्टिकल किस पे, और ये जो एक सपोज आप जैसे आपने ये अभी इंसिडेंट फ्लक्स लिया था आई नॉट आपका, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ,
यहाँ पर आपने जो इंसिडेंट फ्लक्स लिया था आई नॉट, सपोज आप कंसिडर करोगे आप आउटगोइंग फ्लक्स ले लो आई आई, आप आउटगोइंग फ्लक्स ले लो पार्टिकल का, ठीक है, आउटगोइंग फ्लक्स, और यू कैन से इंटेंसिटी, इट इज़ इंटेंसिटी बेसिकली, इंटेंसिटी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल इन डायरेक्शन थीटा कॉमा फाई, ठीक है, यानी कि पार्टिकल लीविंग द आफ्टर द स्कैटरिंग द पार्टिकल पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, स्कैटर्ड फ्लक्स है। अब ये क्या होगा आपका, तो ये जो सेम नंबर है, यानी कि क्या था आपका स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम थे, जो स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम थे, आप इसे एक और तरीके से एवेल्यूएट कर सकते हैं, वो है इस आउटगोइंग स्कैट आउटगोइंग जो स्कैट इंटेंसिटी है, तो आउटगोइंग इंटेंसिटी को आप अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें उस एरिया से, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली यही नंबर मिलेगा, है ना। अगर आप पहले तो आप आउटगोइंग जो इंटेंसिटी है उसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया आपको क्या देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम, क्योंकि एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू है आर द सेम थिंग, दे आर, यू कैन इवेल्यूएट डी एन बट बोथ वेज, ओके फाइन। अब आपको पता होगा कि डी एस होता क्या, एक्चुअली डी एस आपका आपको पता होगा डी ओमेगा बराबर होता है डी एस बाई आर स्क्वायर, डी एस और डी ओमेगा आपस में रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला कि डी एस आप लिख सकते हैं डी एस की जगह पर आर स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, तो आपको क्या मिला, आपको मिला डी एन थीटा कॉमा फाई इक्वस टू आई थीटा कॉमा फाई टाइम्स डी एस की जगह मैं आर स्क्वायर डी ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले आपको जो क्वेश्चन मिली थी उसमें आपने डी एन कैसे कैलकुलेट किया था इन थीटा फाई डायरेक्शन, आपने कैलकुलेट किया था एस डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, ये रहा ना डी सिग्मा बाई डी ओमेगा आई नॉट थीटा फाई इंटू डी ओमेगा, ठीक है। इक्वेशन टू एंड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव एलएचएस सेम, सो यू कैन इक्वेट देम, सो इफ यू इक्वेट बोथ ऑफ देम यू विल गेट डी सिग्मा बाई डी ओमेगा टाइम्स ऑफ आई नॉट थीटा कॉमा फाई टाइम्स ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू आई टाइम्स थीटा कॉमा फाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर डी ओमेगा, डी ओमेगा से डी ओमेगा हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमको यहाँ पर मिलेगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो हमने डिफाइन किया था डी सिग्मा बाई डी ओमेगा एज आई थीटा कॉमा फाई डिवाइडेड बाई आई नॉट थीटा कॉमा फाई, ठीक है, आई नॉट थीटा कॉमा फाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, तो ये आपका डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकल के आ गया, ठीक है, येलो फिर बॉक्स बना दो, तो ये आपके पास आ गया डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकल के, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके वी विल यूज इट अगेन। नाउ अगर आपको टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना होता आपको, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ये चीज आपने निकाल थी, ये आपकी क्या थी, ये थी डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले ये देखिए कि सिग्मा टोटल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो डिनोट करते हैं हम सिग्मा टी से, तो आपको पूरे ये जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है इसको पूरे डी ओमेगा एंगल के लिए इंटीग्रेट कर देना होगा। डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा होता है आपका आर ऑफ साइन थीटा, डी ओमेगा मैंने बताया आपको डी एस बाई आर स्क्वायर होता है, डी एस आपको पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में होता है आर साइन थीटा डी थीटा आर डी फाई, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इस आर से ये कैंसिल और आर स्क्वायर कैंसिल, सो यू विल बी हैविंग साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। अब इस डी ओमेगा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर डी ओमेगा की वैल्यू रख देता हूँ ये, तो आपको मिलेगा सिग्मा टोटल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा बाई डी ओमेगा टाइम्स साइन थीटा डी थीटा इंटू
डी फाइव। नाउ वेट अ मोमेंट, तो अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास आया ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, देखो डी फाइव, डी फाइव आपका इंटीग्रेट, डी फाइव की लिमिट क्या होगी, सिग्मा टी ऑफ दो चीजें इसमें, एक तो डी सिग्मा डी टी डी ओमेगा साइन थीटा है, ये साइन थीटा का फंक्शन है, दूसरा आपके पास है डी फाइव, तो थीटा की लिमिट तो होगी जीरो से लेके फाइव, और फाइव की लिमिट होंगे जीरो से लेके टू फाइव, जब आप फाइव को इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाइव को इंटीग्रेट करेंगे आपको मिलेगा फाइव, उस पर अपर लिमिट और लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको मिलेगा टू फाई माइनस जीरो, यानी कि आप टू फाई को बाहर ले सकते हैं, बस वो टू फाई टाइम्स लिमिट थीटा से जीरो से पाई डी सिग्मा बाई डी ओमेगा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, तो ये आपका निकल के आया टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये लिमिट थीटा और फाई के आपको पता होंगे कैसे लेते हैं, देखो ये आपका जी एक्सिस है, सो ये मैंने आपको बताया था कि थीटा क्या होता है, थीटा ये होता है जी एक्सिस के साथ जो एंगल होगा, ठीक है। सो ये थीटा की लिमिट क्या होगी, जीरो से लेके पाई, यानी कि थीटा जो होगा उसकी लिमिट होगी जीरो से लेके पाई, जीरो से लेके पाई थीटा जाएगा, और उसके बाद जब फाई, फाई होगा ये एंगल, ये घूमेगा जो, ठीक है, इमेजिन करो ना, इमेजिन करो यहाँ पर एक सर्किल है, इसके परपेंडिकुलर है जी एक्सिस, जी एक्सिस, जी एक्सिस सर्किल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, देखो यहाँ से ये लाइन मारना घूमना स्टार्ट करी, ये गई ये गई ये गई ये गई ये गई ये गई, यानी कि जीरो से लेके टू पाई, ये एंगल जीरो से टू पाई बन गया, और थीटा आपका कैसे बनेगा, थीटा आपका बनेगा ये रहा आपका थीटा, थीटा जीरो से पाई, तो जब आप थीटा जीरो से पाई रिवॉल्व करेंगे और उसके पास जीरो से टू पाई फाई रिवॉल्व करेंगे तो आपको पूरा एक स्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। इस स्फीयर के अकॉर्डिंग स्कैटरिंग होगी, कुछ पार्टिकल इधर स्कैटर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, यहाँ से इंसिडेंट हुए, कुछ पार्टिकल ऐसे स्कैटर होंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस क्या निकल के आते हैं। थैंक यू।